हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अभी समास। समास टॉपिक में हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं? तत्पुरुष समास की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तत्पुरुष समास का ही फर्स्ट टाइप कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है? कर्म तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में को शब्द का या फिर को शब्द का क्या हो, को शब्द का लोप हो या फिर बोलने पर को की ध्वनि उत्पन्न हो या फिर ध्वनि निकले, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, ओके? अब देखिए, मैंने कल आपको तत्पुरुष समास के टाइप्स याद करने के लिए क्यों बोला था और विध विभक्ति, मैंने आपको बोला था विभक्ति और कारक आपको याद करने हैं। अगर आपको विभक्ति और कारक याद हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, तो आप टाइप्स बहुत इजीली याद कर पाएंगे। कैसे? मैंने क्या बताया था? विभक्ति हमारी क्या होती है? हाई स्कूल और इंटर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के और अधिकरण में पै पर, यही चीजें आपको बताई थी याद करने के लिए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, आज हम वही पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप कर्म तत्पुरुष। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चिड़ी मार। चिड़ी मार शब्द में आप देखिए को शब्द का लोप कैसे है, ठीक है? तो को शब्द का लोप है चिड़ियों को। इसका समास विग्रह जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे? चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है? आप यही तो लिखेंगे, चिड़ियों को मारने वाला। अब चिड़ियों को मारने वाला यानी कि को शब्द आ गया है। अब को शब्द की ध्वनि जहां पर निकलती है बोलने पर, समास विग्रह करने पर, तो यहां पर हमें एक शब्द और लिखना है कि जिस समास में समास विग्रह करने पर, यहां पर आप लिख लीजिए समास विग्रह करने पर, विग्रह करने पर को शब्द का लोप हो या फिर बोलने पर ध्वनि उत्पन्न हो, किसकी? को की। तो वहां पर क्या होता है? हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। और कर्म तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष को ही हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है? सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है गगन चुंबी, ठीक है? क्या लिखेंगे आप? गगन चुंबी। गगन चुंबी का समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, गगन को चूमने वाला यानी को शब्द आ गया है यहां पर। अब इस को शब्द की वजह से हम परिभाषा को याद करेंगे। को शब्द का जहां पर समास विग्रह करने पर को शब्द का लोप हो जाता है, वहां पर क्या होता है? हमारा तत्पुरुष समास में कौन सा? कर्म तत्पुरुष होता है यानी कि कर्म, ठीक है? ये दो एग्जाम्पल हमने समझ लीजिए, समझ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप पर। सेकंड टाइप है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष सेकंड टाइप एंड इसे क्या कहते हैं? तृतीय तत्पुरुष, ओके? इसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। तृतीय तत्पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि विभक्ति ये तृतीय वचन है और विभक्ति क्या है? करण है। इसलिए करण जहां पर होता है वहां तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिए ये हमारा क्या है? तृतीय तत्पुरुष भी कहलाता है। तृतीय तत्पुरुष की
परिभाषा आप लिखेंगे क्या है कि जिस समास का समास विग्रह करने पर जिस समास में समास विग्रह करने पर क्या हो से द्वारा की ध्वनि उत्पन्न हो, करने पर से द्वारा शब्द का लोप हो या बोलने पर ध्वनि उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जहां पर हमारा शे द्वारा शब्द की ध्वनि आएगी वहां पर हमारा क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। बट कंडीशन क्या याद रखनी है, समास विग्रह करने पर। आप किसी भी शब्द का समास विग्रह करने के बाद ही उसमें पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है सूर रचित। समास विग्रह करेंगे आप तो सूर के द्वारा रचित, क्या लिखेंगे, सूर के द्वारा रचित, यानी कि के द्वारा शब्द यहां पर आ गया है। अब ये के द्वारा शब्दों की वजह से ही हमारा क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास है, यानी कि इसमें कर्ण तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शोक ग्रस्त। अब शोक ग्रस्त का समास विग्रह आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, शोक से ग्रस्त। क्या लिखेंगे, शोक से ग्रस्त। अब शोक से ग्रस्त की वजह से, यानी कि से और द्वारा मैंने दो शब्द बताए हैं, अब यहां से शब्द आ गया। अब से शब्द की वजह से ये हमारा क्या है, शोक ग्रस्त शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में भी हमारा कर्ण तत्पुरुष समास है। क्या है, कर्ण तत्पुरुष। ओके, इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, यानी कि समास विग्रह आपको करना आना चाहिए। और समास विग्रह करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि समास विग्रह आप किसी शब्द का कैसे करेंगे कि जब हमारा जो भी शब्द हो उसका एक मीनिंगफुल वर्डों में आप उसे अलग अलग विभाजित कर देंगे, यानी कि शोक ग्रस्त को आप कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो शोक में तोड़ सकते हैं और ग्रस्त में तोड़ सकते हैं। शोक और ग्रस्त में तोड़कर अब आप इसका कैसे समास विग्रह कर सकते हैं कि शोक ग्रस्त किसे कहते हैं, जो शोक से ग्रस्त हो। ठीक है, जो शोक से भरा हुआ हो, ग्रस्त हो, उसे क्या कहेंगे, शोक ग्रस्त कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टू टाइप्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है थर्ड टाइप, संप्रदान तत्पुरुष। ओके, इसे क्या कहते हैं, संप्रदान के लिए हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। ओके, क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। चलिए ये तो हमारी हो गई हेडिंग। अब आप लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस शब्द का समास विग्रह करने पर
करने पर के लिए शब्दों का लोप हो या बोलने पर के लिए शब्दों की ध्वनि उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष होता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। के और लिए दो वर्ड आपको याद रखने हैं, के और लिए दो वर्ड जहां पर जिस समास का विग्रह, समास विग्रह करने पर के या फिर लिए कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, वहां पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हथकड़ी, हथकड़ी। ठीक है, हथकड़ी का समास विग्रह आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, हथकड़ी का समास विग्रह क्या होता है, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। ओके, अब हाथ के लिए कड़ी यानी कि के लिए दोनों ही वर्ड आ गए हैं तब भी हमारा क्या है, ये संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देशभक्त, देशभक्त, देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति में क्या होता है समास विग्रह, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति है यानी कि के लिए जो शब्द आ गए हैं हमारे, इनकी वजह से हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, क्या है, संप्रदान तत्पुरुष यहां पर हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष आई होप समझ में आ गया होगा। के और लिए दो वर्ड आपको याद रखना है, इनमें से दो में से कोई एक आ जाए या फिर दोनों ही साथ साथ आ जाएं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये शब्द आना चाहिए। तो जहां पर ये शब्द आ जाते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर टाइप। फोर टाइप कौन सा है, अपादान। ठीक है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। और ये इसमें कौन कौन से शब्दों का लोप होता है, इसमें होता है हमारा से अलग होना, जहां पर से अलग होना पाया जाए, किसी चीज से अलग होना पाया जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा होता है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष जहां अलग होने की प्रवृत्ति पाई जाए जिस भी समास में, वहां पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। डियर फ्रेंड्स, अपादान तत्पुरुष की बहुत अच्छी ट्रिक याद करने की बताई थी, जो कारक है वो याद रहना चाहिए हमें। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना। ठीक है, तो इसी से याद हो गया हमें, अपादान से अलग होना, अलग होना जहां पर प्रवृत्ति पाई जाती है। लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, जिस समास का समास विग्रह करने पर अलग होना शब्द का लोप हो या
या ध्वनि उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा धनहीन। क्या है? धनहीन। यानी कि समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, धन शेहीन। ठीक है, धन शेहीन। अब धन शेहीन है यानी कि धन से दूर है, अलग है, तो शे अलग होने की प्रवृत्ति इस समास विग्रह में पाई गई है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर हमारा अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष के साथ साथ पंचमी तत्पुरुष भी है, उसी को तो कहते हैं पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, तो आप लिखेंगे अपादान तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ भ्रष्ट का समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पथ से भ्रष्ट हो गया हो जो, यानी कि भटक गया हो जो, पथ से भ्रष्ट यानी कि जो पथ से भटक गया हो, यानी कि पथ से दूर हो गया है अपने मेन रास्ते से। आप अपने मेन रास्ता क्या है, पढ़ाई करना, और आप अपनी पढ़ाई से ही दूर हो गए हैं, तो क्या हुआ है, यहाँ पर अलग होने की प्रवृत्ति पाई गई है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा अपादान तत्पुरुष है, यानी कि पंचमी तत्पुरुष है। ठीक है, ये तो हमारे फोर टाइप कंप्लीट होते हैं तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट चलते हैं, है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब संबंध तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष को हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। परिभाषा आप लिखेंगे, जिस समास का समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर क्या हो, करने पर का की के, का की के, या फिर रा री रे शब्द लोप हो। ठीक है, लोप हो, या फिर बोलने पर इन शब्दों की ध्वनि उत्पन्न हो, इन शब्दों की ध्वनि उत्पन्न हो, तो वहां पर क्या होगा हमारा, वहां पर हमारा संबंध तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष होता है। ठीक है, कौन से शब्द, का की के रा री रे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राजकुमार। राजकुमार का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, राजा का कुमार, यही तो करेंगे, राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र। तो का शब्द यहां पर आ गया है, यानी कि का शब्द जहां पर आ जाता है, अभी लिखवाया है आपको, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, लिखेंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राजपुत्र। राजपुत्र, राजकुमार, सेम एक जैसा हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं शिवालय। ठीक है, शिवालय, शिवालय का समास विग्रह आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, शिव का आलय, यानी कि शिव जी के रहने का स्थान। ठीक है,
आलय का मतलब होता है स्थान, शिव का स्थान। अब शिव का शब्द आ गया है तो क्या हो गया है यहां पर, यहां पर हमारा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि का शब्द आ गया है। ओके, तो हमने टू एग्जांपल्स इसके भी समझ लिए। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स एंड लास्ट टाइप पर, क्या है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष को अन्य किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम से भी जानते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। ओके, सप्तमी तत्पुरुष की परिभाषा लिखेंगे, जिस समास का समास विग्रह करने पर क्या हो, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर में एंड क्या, पर, में और पर शब्द शब्दों का लोप हो, या फिर क्या बताया, बोलने पर ध्वनि प्रदूष हो, या फिर बोलने पर ध्वनि उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष होता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है शोक मग्न, शोक मग्न। समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, शोक में मग्न, शोक में मग्न। जो इंसान शोक में मग्न हो यानी कि लीन हो, उसे क्या कहेंगे, शोक मग्न कहेंगे। अब शोक में मग्न यानी कि में शब्द आ गया है, में वर्ड आ गया है, किस कैसे समास विग्रह करने पर, तो में वर्ण के आने की वजह से ये क्या है, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय का समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। अब लोक में जो चीज प्रिय है उसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय कहते हैं। और लोक में प्रिय की वजह से, में शब्द की वजह से अधिकरण तत्पुरुष है, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको वन बाई वन करके बहुत अच्छे से जितने भी टाइप्स हमारे सिक्स टाइप के तत्पुरुष थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आए होंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई भी डाउट है अगर आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगी। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।